नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विकास लेक्चर में। उम्मीद करता हूं आप रोजाना की तरह ठीक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाइबोरिन की और आर्थोबोरिक अम्ल की संरचना के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं। वीडियो बहुत छोटा है, तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जो हमारा टाइबोरिन है उसका जो सूत्र है वो होता है B2S6। ठीक है, वो ध्यान से देखिएगा, B2S6 इसका सूत्र होता है। और हम इसको दो तरह से दोस्तों बना सकते हैं। ठीक है, आपको एग्जाम में केवल एक ही तरह से बनानी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन हम इसको यहाँ पर दो तरह से आपको जो है बनाकर दिखा रहे हैं। देखिए, तो सबसे पहले आपको जो है बोरेन, एक आप यहाँ पर हाइड्रोजन को लगाइएगा और इधर एक इधर हाइड्रोजन को लगाइएगा और इसके सामने जो है आप बी को लगाइए और ये हो जाएगा आपका इधर एच, और फिर आप एच को दिखाइए और इधर जो है फिर आप एच को दिखाइए और इधर जो है फिर आप एच को दिखाइए। एकदम सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जैसे कि आप समझ पा रहे हो, एक तरह का ये डिजाइन है। ठीक है, एक तरह का क्या है, ये डिजाइन है। फिर आप ऐसा ही बनाएंगे, फिर यहाँ भी आ जाएगा, मतलब इसको जो है आप कितना ही बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये संरचना अच्छी नहीं लग रही है तो आप इस तरह से भी बना सकते हो, बी एच एच एच। ठीक है, और ये इधर भी आप जोड़ सकते हो। ठीक है, एक एच इधर जोड़ सकते हो, एक एच इधर जोड़ सकते हो, एक एच इधर जोड़ सकते हो। तो ऐसे भी आप जो है इसकी संरचना को बना सकते हो। ये क्या है, डाइबोरेन। डाइबोरेन एग्जाम में बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन जो है डाइबोरेन, ठीक है, एग्जाम में ना बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद समझते हैं किसकी संरचना को, आर्थोबोरिक अम्ल की संरचना को। तो इसके लिए आपको जो है फॉर्मूला का पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आप चाहे तो इसकी डायरेक्ट भी संरचना एग्जाम में जो है बना सकते हैं। देखिए जरा कैसे बनाएंगे, तो मैं यहाँ पर जो है इसको नहीं मिटा रहा हूँ, साइड में ही बना दूंगा। ठीक है, तो समझिएगा जरा, यहाँ पर आप बी दिखाइएगा। ठीक है, और इस तरह से इधर भी आप ओ बनाइए, इधर भी आप ओ बनाइए। ठीक है, फिर आप इधर एच को दिखाइए, मतलब आपको एकदम से जो है ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, आप इसको बी को यहाँ दिखाया और इस तरीके से एच दोनों तरफ एच जोड़िएगा, फिर इस तरीके से ओ, फिर भी आ जाएगा, और फिर ऐसे ही प्रत्येक के लिए जो है इधर भी इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी, और ऐसे ही आप जो है इसकी स्ट्रक्चर को इधर भी बना सकते हो ऐसे ही। ठीक है, यानी कि इधर भी आप इसकी संरचना को जो है बना सकते हो ऐसे यूं, और फिर आप इधर से भी इसको यूं बना सकते हो, क्या इधर से भी आप इसको इस तरह से बना सकते हो। ठीक है, बहुत सिंपल है। देखिए जरा, तो जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे, वीडियो ज़्यादा बढ़ाना हो इसलिए मैंने इसकी संरचना को जो है पहले ही बना दिया है। ठीक है, आपको मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले आप क्या करिएगा, यहाँ पर आप बी को दिखाइएगा। ठीक है, इसके दोनों तरफ आप ओ को दिखाइएगा, फिर आप पढ़िएगा नीचे, नीचे आपको दोनों तरफ हाइड्रोजन रखना है। ठीक है, यहाँ पे भी ओ, यहाँ एच दोनों तरफ। ठीक है, फिर आप इसके बाद फिर से क्या लीजिएगा, ओ लीजिएगा, और इसके बाद फिर आमने सामने आपको क्या रखना है, बी रखना है। और आपको यहाँ एक बात ध्यान देने वाली और है कि भैया आपको जो है फिर इसको यूं मोड़ देना है। देखिए, इसके समांतर ये आ जाएगा ना, दोनों एक दोस्त ओ जो है दोनों एक दूसरे के समांतर है, फिर आगे चलेंगे, और एक बॉन्ड को आप स्ट्रेट दिखाइएगा, एक को आप सिंपल दिखाइएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आप इसको ऐसे मोड़िए, देखो इसके समांतर फिर आ जाएगा, फिर इसके समांतर आ जाएगा, फिर बी। देखो जो कनेक्शन बी इस वाले बी का, इस वाले बी का है, वही कनेक्शन इस बी का, इस बी का है। अगर आप इसको ऐसे मोड़ रहे हो तो आप इसको ऐसे भी चला सकते हो। देखिए जरा, यहाँ पर आप ओ लगाइएगा, आपने इधर डॉट डॉट दिखाया था, तो अब की बार डॉट डॉट इधर आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको जो है ओ इसके समांतर में क्या जोड़ देगा, बी, और ऐसे ही आप यहां पर बी जोड़िएगा। ठीक है, इतना तो आपके समझ में आ गया, इतना क्लियर है। इसके बाद आप यहां पर क्या कर सकते हो, आप ऐसे ही इधर भी चला सकते हो। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे, मैंने इधर स्ट्रेट लिया है, तो अब की बार यहां आपको डॉट डॉट में लेना पड़ेगा, और ऐसे ही आप इसको इधर से चलाइए, अब की बार डॉट डॉट में चलाइए, इधर ओ जोड़िएगा और इधर आप स्ट्रेट में जोड़िएगा, यहाँ पे भी ओ, इस तरीके से यहाँ पे भी आपका बी हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया क्या आपके, नहीं? ठीक है, आप चाहे तो जो है इसको फिर से आप चला सकते हो, इधर इसको फिर से बना सकते हो, इधर भी ओ लगाइएगा, इधर भी ओ लगाइएगा। ठीक है, यहाँ पे एच लगाइए इसके समांतर, देखो इसके समांतर क्या लगाइएगा, एच लगाइएगा, एच, फिर स्ट्रेट लाइन में यहाँ पर ओ हो जाएगा। तो ऐसे ही आप जो है फिर से बी दिखा सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है स्ट्रक्चर जो है कंप्लीट होता जाएगा, और आप चाहे तो इसको अधूरा भी, इतना भी छोड़ सकते हो। ठीक है, आप जो है इसको फिर से आगे बनाइए, इसको आप इधर को मोड़ सकते हो,
ये आपका क्या आया, ये आपका ओ, इधर आपका आ जाएगा एच, फिर आप इसको डॉट डॉट में लिखाइए और इसके समांतर जो है एच बनाओ, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका स्ट्रक्चर बनता जाएगा, आप इसको चाहे कितना ही बड़ा एग्जाम में बना सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका नाम क्या है, आर्थोबोरिक एसिड है, आर्थोबोरिक अम्ल, यहां लिख रहे हैं आर्थोबोरिक अम्ल, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आज की वीडियो में केवल इतना ही, थैंक यू।